अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बीफ है, इसके ब्रीक ब्रीक से अंडर कट है, ये ऐसे पतले पतले इसके पार्चे से बना लिए। ये स्टीक्स जैसे बनते हैं ना, ये देखें इस तरह पतले पतले से, ये भी मैंने काटे हैं, बहुत मोटे थे तो इनको मैंने मज़ीद बारीक सा कर लिया। तो इसको हम हल्का सा एक मसाला लगाएंगे, फिर इसको मैं अपने नॉन स्टिक पैन में इसको तैयार करूंगी स्टीम में, भी बड़ा मज़ेदार बनता है। ये तकरीबन आधा किलो है मेरे पास। अब इसमें काली मिर्च जाएगी और नमक जाएगा, फ्लेक्स जाएंगे, गार्लिक पाउडर जाएगा, सिरका और सोया सॉस, ये सारी चीज़ें जाएंगी। ये गई काली मिर्च, आधा चम्मच तकरीबन। हाँ जी, नमक जाएगा, एक चम्मच भर के उतर भी जाते हैं ना, फ्लेक्स जाएंगे, गार्लिक पाउडर जाएगा। अगर आप इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आएगा, एक बड़ा चम्मच पूरा डाल दी। अब इसके अलावा इसमें सोया सॉस, अंदाजे से ही मैंने डाली है, तकरीबन एक चम्मच भर के होगा या उससे थोड़ी एक्स्ट्रा होगी। और इसी तरह ये थोड़ा सा मैंने एक चम्मच के करीब सिरका डाल दिया, बस दैट्स इट। इसकी अच्छी सी मिक्सिंग होगी। आज मैं इसको मैरिनेट करके तो रख दूंगी, कल फिर मैं इसको तैयार करूंगी और इसके बड़े अच्छे हम सैंडविच बनाएंगे इनको। ग्रिल पैन में रख के तो बड़ा अच्छा सा इसको, बस ये सिंपल से इसके मसाले होते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, सिंपल होती है। अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर। ये फ्लेक्स इसलिए डाले थे कि थोड़ा सा इसमें ना आ जाए, इसका मिर्च का टच आ जाए। एक दफ़ा मैंने बनाया था, मैंने ग्रीन चिली बारीक पेस्ट बना के वो लगाई थी, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, वो भी आप कर सकते हैं। वेरिएशन हमारे अपने हाथ में है, कुछ काफ़ी चीज़ें हम इस पर लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये नमक काली मिर्च वाला सादा ही बनता है। थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा सा सिरका डाला इसको गलाने के लिए, गार्लिक लहसुन जो है ना, पिछली दफ़ा मैंने ताज़ा फ्रेश उसको पीसा, बारीक सा पेस्ट बनाया वो लगाया था, उसका फ्लेवर और खुशबू बहुत प्यारी आई थी। बस ये तकरीबन मैरिनेट हो गया, मिक्सिंग हो गई है, अब इसको ओवरनाइट हमने रखना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको तैयार करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेक्स बन रहे हैं, ये मैंने इनको मैरिनेट कर दिया था, उस दिन सारा मसाला लगा के आपको दिखाया था। इसके से कुछ तो सादी रखी थी, वैसे ही नमक काली मिर्च वाली और वो गार्लिक पाउडर था, या ताज़ा फ्रेश लहसुन लगा लें। कुछ पे मैंने ना हाफ पे मैंने ये तिक्का मसाला लगाया था, बच्चों ने कहा कि हमें बिल्कुल सिंपल नहीं खाने, तो इन पे तिक्का मसाला लगा हुआ है, ये थोड़ी सी बस इसका फ्लेवर आएगा इसमें। ये तैयार हो रही है, जैसे ये तैयार हो जाती है फिर इनको मैं ब्रेड में या बन में सैलड वगैरह के साथ अच्छा सा इसको तैयार करके बच्चों को देती हूँ। बस ये थोड़ी देर तक हो जाएंगे तैयार, अपना इनका पानी निकल रहा है, उसी जूसेस में इन्होंने तैयार हो जाना है, हल्की आंच पे इनको बनाना। ये जी तैयार हो गए हैं, ये आधे तो खाए भी गए हैं बनते बनते ही, बच्चे एक ने ब्रेड में लगा लिए, एक ने वो सैंडविच उसमें
बर्गर में लगा लिया और साथ सलाद वगैरह मायनीज़ केचप, वो माशाल्लाह इतने अच्छे बन गए थे, खाए गए हैं। ये 4 बजे थे, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। इसको वो सैंडविच ब्रेड में लगा के साथ मायो केचप बंद गोभी वो सलाद पत्ता टमाटर वगैरह, अगर प्याज पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा वो सैंडविच बन जाता है। उसको कट साइड से कट कर दें, ये अभी इसका मैं बनाने लगी हूँ, और बंद में भी डाला जा सकता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत टेस्टी बने हैं। ये तो बनते फ्राई हुए हैं तो साथ खाए गए हैं।